वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल की फिर हुई आतंकियों से मुठभेड़, तीन आतंकी ढेर। हिजबुल कमांडर जुबेर भी ढेर, मारे गए तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के, सभी के शव बरामद। मारे गए आतंकियों से दो AK-47 और एक इंसास राइफल बरामद। शोपिया के जैनापुरा इलाके में सुरक्षा बल ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में दो हफ्ते में 17 आतंकी मारे गए। कश्मीर में जनवरी से अब तक करीब 100 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने किया खात्मा। पाकिस्तान की फिर नापाक करतूत, फिर तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान ने तंगधार इलाके में किया अंधाधुंध गोलीबारी, मोर्टार से धागे गोले। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, कश्मीर के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तजाकिस्तान में था भूकंप का केंद्र, तजाकिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 6.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। प्रयागराज कानपुर एक्सप्रेस वे पर दो बाइकों में जबरदस्त टक्कर, दो लोग घायल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। कोरोना संकट पर आज प्रधानमंत्री मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करेंगे बात। इन राज्यों में कोरोना की काबू में है रफ्तार, दोपहर 3 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कल प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के कहर वाले 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हालात पर करेंगे चर्चा। इन राज्यों में दिल्ली महाराष्ट्र भी शामिल। अनलॉक 1 के बाद कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों से आज पहली बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने नियमों में और ढील देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से वीकेंड में भी लॉकडाउन नहीं लागू करने की मांग करेंगे। 28 जून को प्रधानमंत्री करेंगे मन की बात, लोगों से मांगे सुझाव। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, मौत के आंकड़े ने बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 178 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 4000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 68 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर अब तक के सबसे ज्यादा 73 मरीजों की मौत। कुल कोरोना मामले पहुंचे 43,000। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किया LNJP अस्पताल का दौरा। डॉक्टरों से तैयारियों और रणनीति पर ली रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी कोविड अस्पतालों को लिखी चिट्ठी, कोरोना मरीजों के वार्ड में CCTV लगाने का आदेश। LNJP अस्पताल में गृहमंत्री ने डॉक्टरों और नर्सों से की बात, कोरोना मरीजों की देखभाल को लेकर ली जानकारी। दिल्ली के हालात को लेकर अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में की माथापच्ची। 20 जून तक राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट करने का लक्ष्य। कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर और नर्सों को मानसिक रूप से तैयार रहने की योजना। अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों के काउंसलिंग के लिए दिए निर्देश। सर्वदलीय बैठक में BJP ने उठाया प्राइवेट अस्पतालों और लैब की मनमानी का मुद्दा। पाल कमेटी के गठन का फैसला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।